जो रूम अब आपको नजर आ रहा है इसका नाम हमने रखा हुआ है वीडियो थिएटर, क्योंकि यहाँ पर दो काम होते हैं। एक तो यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल थिएटर का इन्वायरमेंट है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, स्क्रीन नीचे आती है, इसके ऊपर हम BBC और CNN चलाकर उसके मुश्किल अल्फाज उतार कर स्टूडेंट को याद करवाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को जो यूनिवर्सिटी से फारग होते हैं उनके सामने CNN लगा दें तो वो उनकी जान छुड़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं जियो लगाओ या AirWire लगा दो। हाँ अच्छी बात है, मगर हमें सुनना है CNN और BBC, वो कैपेसिटी जो हमारी यूनिवर्सिटीज में अभी तक पैदा नहीं हो रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे CNN लगाएं तो उन्हें समझ आए। यहाँ पर जो पहली प्रॉब्लम है वर्ड्स और मीनिंग्स की, वोकैबुलरी की, वो हम यहाँ पर एक वर्ड बाई वर्ड पर लगाकर उतार कर स्टूडेंट को सिखाते हैं, बाद में उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, उनके अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, एप्टीट्यूड डेवलप करने के बाद CNN और BBC लाइव दिखाते हैं और चलाते हैं और समझाते हैं। हमारे पास पढ़ने के बाद हमारे स्टूडेंट के सामने CNN लगाएं, BBC लगाएं, उसको 97-98% समझ आ रही होगी। इसी तरह ही इंग्लिश मूवीज की समझ आएगी, क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ तस्वीरें देख रहे होते हैं और समझ नहीं रहे होते, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो ये भी समझना शुरू हो जाएं, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो जरूर समझ रहे होते हैं।